बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल कुकिंग विद जॉय। आज फिर से हाजिर है रमज़ान स्पेशल में एक नई रेसिपी लेके। आज हमारे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी ड्रिंक बन रहा है, जिसे आप सहरी और अफ्तारी दोनों में ले सकते हैं। आज हम बना रहे हैं बादाम का शरबत। तो इस रेसिपी के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो नोट कर लेते हैं। हाफ लीटर हमने इसे मिल्क लिया, जिसे बॉयल करके हमने ठंडा कर लिया है। 2 टेबल स्पून हमने इसमें रूह अफ़ज़ा लिया है और 2 टेबल स्पून हमने इसमें शुगर ली है यानी चीनी ली है, और 1 टेबल स्पून हमने इसमें तुखमलंगा ली है, जिसे हमने पानी में भिगो के रख लिया है। ये बहुत ठंडी होती हैं, गर्मी में बहुत अच्छी रहती हैं। 14 से 15 बादाम ले लिए हैं, जिसे हमने अच्छे से भिगो के रख लिया था, और अब हमने इनके छिलके उतार लिए हैं। 1 टेबल स्पून हमने इसमें पिसा हुआ खोपरा लिया, कुछ बादाम लिए जिसे हमने बारीक काट लिया, इसे हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तो चलो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जूसर का जग लेंगे, उसमें हम दूध डालेंगे, फिर इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। आपको जितना मीठा पसंद है आप उतना मीठा ऐड करें इसके अंदर। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून लिया है। बादाम जिन्हें हमने भिगो के रखा था और छिलके उतार लिए, वो ऐड करेंगे, और रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे इसमें हम। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। रूह अफ़ज़ा इसे बहुत ही अच्छा कलर देगा। अब इसे ब्लेंड करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो हम इसमें बर्फ ऐड करेंगे, रश्की हुई। आपको ठंडा चाहिए तो हल्के से बर्फ ऐड करें, आइस क्यूब्स ऐड कर सकते हैं इसके अंदर आप। अब इसे हम बंद करेंगे और फिर दोबारा से 1-2 मिनट के लिए अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बादाम का शरबत तैयार हो गया। चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं ग्लासेस में। 2 हमने सर्विंग ग्लास ले लिए हैं। अब सबसे पहले हम इसमें पिसा हुआ खोपरा जो हमने लिया है वो ऐड करेंगे। एक चम्मच हमने इन दोनों में डाला है। अब हम इसमें जो तुखमलंगा हमने तैयार की हुई थी वो डालेंगे। इसमें अपना बहुत ही मज़ेदार सा बादाम का शरबत ऐड करेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आपको पसंद आएगी। इसे हल्का सा चम्मच से मिक्स कर देंगे। हम इसमें बादाम ऐड करेंगे। देखिए व्यूअर्स, तैयार है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बादाम का शरबत। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें। तब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।